सिक्स रैकेट कांड में बुरी तरह फंसते जा रहे संदेश के विधायक अरुण यादव फिलहाल गायब हैं। भोजपुर की एसआईटी टीम उन्हें ढूंढ रही है। अरुण यादव भूमिगत हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष का इस मामले में खेल भी चल रहा है। इसी बीच मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र उनके समर्थन में उतर आए हैं। अधिकांश नेता उनके पक्ष में बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन मनेर के विधायक राजद के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र अरुण यादव के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। अरुण यादव के समर्थन में जमकर बोले। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन दोबारा 164 का बयान करवाया गया। अरुण यादव विधायक की लोकप्रियता से घबरा कर उन्हें फंसाया गया है। अरुण यादव को मैं जानता हूं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकते, उन्हें फंसाया गया है। जल्द ही सच सामने आएगा। पहले आप भाई वीरेंद्र की बातों को सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अरुण यादव को फंसाया जा रहा है। ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, ये न्यायालय का मामला आ गया। लेकिन एक बात जरूर मैं बोलूंगा, अरुण यादव जी माननीय विधायक हैं और नियम कानून हम लोग भी जानते हैं। 164 में बयान दो बार नहीं लिया जाता है, एक बार लिया जाता है। और एक बार में हमारे माननीय विधायक का कहीं नाम नहीं आ रहा था और दोबारे में हमारे माननीय विधायक का कहीं ना कहीं साजिश के तहत लोगों ने फंसाने का प्रयास किया है। सर, किसके साजिश के तहत ये? अब किनके साजिश के तहत? जो उनके विरोधी होंगे उनकी साजिश के तहत होगी। कौन लोग सरकार में बैठे लोग साजिश कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और 164 का बयान दो बार नहीं होता है, एक बार होता है। और एक बार में हमारे माननीय विधायक जी को नहीं फंसाया जा सका, तो दोबारा में फंसाने का प्रयास। ऐसे सर पार्टी क्या कर रहा है इनके ऊपर, मतलब कि समर्थन? अभी तो मामला आया ही है सामने, अभी सारे मामले को कोर्ट देखेगी।